हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 डिवीजन। डिवीजन मीन्स यानी कि भाग करना। ठीक है, देखिए डिवीजन के कुछ रूल है, कुछ प्रॉपर्टी है इसमें। सबसे पहले हम डिवीजन की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट पेज पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। डिवीजन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इनके बारे में हम जानेंगे। नंबर एक, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय वन द क्वेशेंट इज द नंबर इटसेल्फ। कहने का अर्थ यह है कि जब हम किसी भी नंबर को वन से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर एज इट इज रहता है। ठीक है, जैसे 28 को वन से डिवाइड करेंगे तो 28 ही आएगा, यानी क्वेशेंट हमारा क्या आएगा 28। 341 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 341 ही हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर एज इट इज रहेगा। सेकंड प्रॉपर्टी, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वेश्चन इज ऑलवेज 1। इट्स मीन दैट कि हम किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो 1 आएगा। जैसे 45 को यदि 45 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। आप 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। 1 हमारा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जब हम किसी नंबर को उसी ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जो आएगा वो 1 होगा, भागफल। परसेंट को बोलते हैं भागफल। व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर द परसेंट इज ऑलवेज 0। जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या रहेगा 0। ठीक है, 0 डिवाइड 23 0, 0 डिवाइड 6 0, 0 डिवाइड 578 देन 0। जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी जीरो रहेगा, ऑलवेज 0। डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस। और जब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वह क्या होगा, वह नंबर मीनिंगलेस होगा, यानी कि उसको लिखेंगे दिस इज ए मीनिंगलेस। एक्सरसाइज 5A, क्वेश्चन फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। ए, इनमें प्रॉपर्टी का यूज करना है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी भी ऊपर समझाई है। जीरो को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, जब जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज 0, तो यहां क्या आएगा 0 आएगा। 475 यानी 475 डिवाइड बाई, यानी कि 475 को किससे डिवाइड करें कि ये 475 रहे। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे देखिए, वह नंबर डिवाइड बाय 1, यानी कि जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर एज इट इज रहेगा, क्वेश्चेंट वही नंबर आएगा। तो यहां पर भी ये नंबर इक्वल में क्वेश्चेंट आया तो इट्स मीन डैट यहां डिवाइड करेंगे 1 से। यहां 1 से डिवाइड है और 421 है, तो जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर एज इट इज आता है, तो 425 ही यहां से क्वेश्चेंट रहेगा। 80 को 80 से डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 80 डिवाइड 80, तो जब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, रूल नंबर सेकंड देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन हमारा ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ से 80 डिवाइड 80 इक्वल 1। 112 डिवाइड और इक्वल कितना रहा है 1, तो यानी कि 112 को 112 से ही डिवाइड करेंगे तब क्वेश्चन हमारा कितना आएगा 1 आएगा। डिवाइड बाय 9, किसको हम डिवाइड करें कि इक्वल 0 आए, तो देखिए प्रॉपर्टी में जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो क्या आता है, ऑलवेज 0 आता है, तो 0 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 0 आएगा। 0 डिवाइड 15 ये भी 0 आएगा। 56 डिवाइड 0 ये आएगा मीनिंगलेस। देखिए किसी भी नंबर को प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो यह आता है मीनिंगलेस, तो इसे हम क्या रख देंगे मीनिंगलेस। ठीक है, आगे देखिए
किस नंबर को 99 से डिवाइड करेंगे कि 1 आए, तो 99 को ही 99 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में 1 आएगा, प्रॉपर नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड, टिक राइट का टिक करना है द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन पे 45 डिवाइड 0, तो प्रॉपर नंबर 4 देखिए, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वह नंबर क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। यहां जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, और थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है यहां तक, और फिर एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।